हेलो दोस्तों, संडे टेक स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वो शियोमी को लेके आ रही है। इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट की माने तो शियोमी 2020 में अपना जो उनका नंबर वन का स्पॉट है उसको बरकरार रखने में नाकामयाब होगा। और सैमसंग एक बार फिर से 2020 में नंबर वन पे आ सकता है। अगर वहीं बात करें हम 2019 के क्वार्टर वन की, जहां की शियोमी तब 30.6% पे था, वहीं क्वार्टर थ्री 2019 में वो 27.1% पे ही रह गया। वहीं साथ ही रियलमी की अगर बात करें तो क्वार्टर वन 2019 में उनका जो परसेंटेज थी वो 6% पे थे मार्केट शेयर के मामले में। और वहीं अगर क्वार्टर थ्री की बात करें 2019 में तो रियलमी 14.3% पे पहुंच चुका है मार्केट शेयर के मामले में। इसी के साथ अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी शियोमी को लेके आ रही है। शियोमी का एक खास वॉकी टॉकी जिसकी कीमत 399 युआन है, जो कि तकरीबन 4,050 रुपये के करीब रहेगी। इसी के साथ अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 5,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी, जहाँ पे आप इस पे बात कर सकते हो। और साथ ही ये वाईफाई और 4G सेलुलर कनेक्टिविटी के साथ में आएगा। और ये IP54 रेटेड भी रहेगा, जो डस्ट और वाटर प्रूफ है। इसी के साथ अगली न्यूज़ की बात करें तो वो रियलमी को लेके आ रही है। रियलमी के CEO माधव जी के द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने एक साल के अंदर 15 मिलियन स्मार्टफोन बेच लिए हैं और 2020 में ये इनको डबल करने वाले हैं। साथ ही साथ रियलमी दुनिया का सातवां स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है जो कि इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है। ये रियलमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि उन्होंने एक साल के अंदर 15 मिलियन स्मार्टफोन बेच लिए है और साथ ही साथ वर्ल्ड की नंबर सातवीं कंपनी बन चुकी है जो इतनी जल्दी ग्रो कर रही है। और इसी के साथ अगली न्यूज़ की बात करें तो वो ओप्पो के Reno 3 और Reno 3 Pro 5G को लेके आ रही है। इनका एक ऑफिशियली रेंडर सामने आया है जिससे ये पता चलता है कि ये फ़ोन 26 दिसंबर को लॉन्च होने वाले हैं। और इसी के साथ अगर इनकी जो स्पेक्स है उनकी बात की जाए तो Reno 3 में आपको वाटर ड्रॉप फुल HD प्लस डिस्प्ले 6.40 इंच की मिलने वाली है और साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा रहने वाला है और स्नैपड्रैगन 735 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग और साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलने वाला है। इसी के साथ अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो 4500 mAh की बैटरी रहेगी और एंड्रॉयड 10 पे ये आ सकता है। और अगर इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो वूक 4.0 ये सपोर्ट करेगा। और साथ ही बात की जाए Reno 3 Pro 5G की तो उसमें जो डिस्प्ले रहेगी वो 6.50 इंच की पंच होल फुल HD प्लस डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ पे ये काम करेगी और साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और यह स्नैपड्रैगन 735 या फिर MediaTek का जो नया प्रोसेसर निकला है Dimensity 1000 5G उस पे आ सकता है। साथ ही साथ इसमें अगर कैमरे की बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा रहने वाला है और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए और सेम ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा रहने वाला है। वहीं इसकी अगर बैटरी की बात की जाए तो वो 4200 mAh की रहेगी और ये भी वूक 4.0 को सपोर्ट करेगा। और ये लीक्स लगभग इसके जो भी है वो लगभग कंफर्म है, पर बाकी अगर कोई चेंजेज होते हैं तो वो आपको 26 दिसंबर को देखने को मिल जाएंगे कि ओप्पो के इन दोनों ही फ़ोन रेनो 3 और रेनो 3 प्रो 5G में क्या देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर आज की अंतिम न्यूज़ की बात की जाए तो वो भी ओप्पो से ही रिलेटेड है। ओप्पो का एक पोस्टर लीक हुआ है जिसमें हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, A91 और
A8। वहीं अगर इस पे बात की जाए तो A91 8 GB रैम 128 GB मेमोरी के साथ वूक 3.0 को सपोर्ट करता है, और 8 की बात की जाए तो वो 6.5 इंच की डिस्प्ले, 128 GB इंटरनल मेमोरी और 4530 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी इसकी कोई ऑफिशियल अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है कि ये कब लॉन्च होगा, और इससे कोई अदर डिटेल इसके अलावा हमें अभी तक कोई मिल नहीं पाई है। पर जैसे ही ये डिटेल्स अवेलेबल होती है तो मैं आपको सबसे पहले अपने इस चैनल पे बताऊंगा। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सेम टाइम पे मिल सके, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और बाकी आपकी जो भी क्वेरी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखें और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो पे कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए, और बाकी आप लोग क्या और देखना चाहते हैं। और एक और वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है 5G से रिलेटेड, कि 5G क्या है, 5G किस तरह से रहेगा, या 5G की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।